3 फरवरी को के पाठक की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नियोजित शिक्षकों के भविष्य पर फैसला किया है। फैसला ये हुआ है कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, या फिर 3 बार में एक बार भी पास नहीं होंगे 3 मौके में तो भी उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, नौकरी खत्म कर दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार से ये कमेटी जब अनुशंसा करेगी तो सरकार शायद उनकी बात सुनेगी और इस पर इतना बड़ा फैसला नहीं लेगी, यानी कमेटी पर अपनी रजामंदी की मुहर नहीं लगाएगी। लेकिन हमने इस संबंध में जब पटना हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं जो नियोजित शिक्षकों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे जो बातचीत की, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। झटका इसलिए क्योंकि पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील योगेश चंद्र वर्मा ने बताया है कि कमेटी के पास इतना अधिकार है जिसे सरकार भी नहीं बदल सकती है। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ही इस फैसले को बदल सकता है। पूरी बातचीत चलिए हम आपको सुनाते हैं। कमेटी ने जो डिसीजन लिया कि जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे या जो 3 बार में एक बार भी पास नहीं हुए उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, तो ये तो कमेटी ने कमेटी को तो अनुशंसा करना है सरकार से, सरकार को फाइनल डिसीजन लेना है कि इस पर एग्जीक्यूट नहीं, करना है तो कि नहीं इसका, करना। हाँ ठीक है, जी ये तो जो कानून है, देखिए कानून में ही एक प्रावधान उसी में दिया है कि जो अनुशंसा होगा तो जी अनुशंसा को क्लॉज रूल 4 में है कि जो कमिटी बनेगी, कमिटी की अनुशंसा जो होगी तो वो अनुशंसा के लाइट में समझा जाएगा कि रूल वही है, रूल अमेंडेड समझा जाएगा। यह भी गैर कानूनी है। आप अच्छा और किसी भी अधिकारी को या कमिटी जो है रूल में बनाइए, हम लोग जी शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अनकंट्रोल अनब्रिडल्ड, आप उसमें गाइडलाइन दीजिए। बिना गाइडलाइन के एग्जीक्यूटिव को बेतहाशा पावर देना, अनकंट्रोल जो शब्द हो, जी अनकंट्रोल अनब्रिडल्ड अन पावर देना, या जो डिस्क्रिशन वाला टाइप, बिना गाइडलाइन के एग्जीक्यूटिव अगर कुछ करता है तो कानून बनाना हो गया, जो एग्जीक्यूटिव को पावर नहीं है, लेजिस्लेचर ही कर सकता है। जी देखिए इसमें 4 आपको रूल दिखाते हैं उसी लाइट में। जी रूल 4 में मतलब आपका ये कहना हुआ कि जो इसके कमेटी बनी है वो अनुशंसा कर देगी तो सरकार के लिए उसको सीधे से खारिज करना पॉसिबल उसी नहीं है टेक्निकली। जी उसी में देखिए जिसमें है जो 4 में कि जो बॉडी बनेगा मेक सुटेबल रिकमेंडेशन टू दी गवर्नमेंट, आप ठीक जी करें सिफारिश करेगा कमिटी, जी लेकिन उसमें एक ये भी देखिएगा, एंड टू दैट एक्सटेंट द लोकल बॉडी टीचर्स रूल 2020 शैल स्टैंड मोडिफाइड। जी इसमें कि जो टीचर्स लोगों के और सबके लिए है, और वही नहीं देखिए जो नया 3 तारीख का रिकमेंड, 5 आदमी की कमिटी बनी, जी 5 आदमी की कमिटी एक बनी है, वह बनी है 1 फरवरी 2024 को, जी एक उनका ज्ञापन 222/23 है। न केवल वह बना है जी बल्कि उसके बाद एक गाइडलाइन आया है और लास्ट में डिसीजन भी, एक मिनट जो है जी एक 3 फरवरी 2024 को जी एक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 223 की कंडिका 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंध में गठित विभागीय समिति की बैठक की कार्यवाही आई है। इसमें जी कहा गया है कि लास्ट में लास्ट लाइन है कि होने वाली परीक्षा में से 3 चरणों की परीक्षा नहीं बैठते हैं जी अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 3 चरणों में परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये जी मिनट जो है 5 कमिटी 5 आदमी का, जी जिसमें कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
डायरेक्टर है, लेकिन सेकेंडरी उसके नीचे वह भी डायरेक्टर। लिखा हुआ है कि मंतव्य सरकार को लिया जाए, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है वकील साहब। उसमें है कि जी उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। ये तो जी कमिटी है, कमिटी की सिफारिश है, तो जी स्टेट का अप्रूवल लेना, कहा जाए या निर्णय भी। लेकिन आप तो एक्ट ही में, रूल ही में कहते हैं कि जो अनुशंसा होगी गवर्नमेंट अप्रूव करे नहीं करे अभी बात नहीं है, कि जी वह समझा जाएगा कि रूल 20 वाला एमेंडेड हो गया। यानी आप तो कुछ गवर्नमेंट के लिए छोड़े ही नहीं हैं, आप तो सीधे सीधे रूल में ही, रूल को ओवरराइड तो नहीं करेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो उसमें है कि रूल समझा जाएगा कि एमेंडेड हो, संशोधित तो हो गया तो इसका। शिक्षक संघों को, कई शिक्षक संघों से मेरी भी बात हुई थी, एक उम्मीद की किरण दिख रही है सरकार से या शिक्षा मंत्री से कि ये तो सिफारिश है, अंतिम फैसला तो सरकार का होगा, तो सरकार से हम लोग वार्ता करेंगे कि ऐसी चीजें ना हो। तो क्या ये मतलब कानूनी पहलू इससे ये है, कानूनी लहजे में समझा जाए तो सरकार के पास इतना अधिकार नहीं है कि कमिटी के फैसले को निरस्त कर दे। हम यही कह रहे हैं कि कानून के तहत एक कमिटी बनेगी, कमिटी की जो सिफारिश होगी उस सिफारिश ही वर्चुअली अंतिम होगा। क्योंकि कहा गया है कि रूल रूल 4 में देखिएगा लास्ट में, कि उस हद जो जो सिफारिश होगी उस हद तक रूल 20 समझा जाएगा कि संशोधित है। जी तो वही आखिरी है, एक फॉर्मल टेक्निकलिटी के आधार पर, जो जी एक टेक्निकलिटी हो सकता है, कमिटी तो कमिटी है जी, कल तो उसको लेकिन उनको अप्रूवल के अलावे कोई दूसरा गवर्नमेंट को पावर ही नहीं, अच्छा, मतलब सीधे से उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, ये नहीं कह सकते नहीं सिफारिश आपको नहीं ही मानेंगे अंतिम। हम। हाँ, ये नहीं हुआ कि हम लोग नहीं मानेंगे, या इसमें कैसे भी है कि सिफारिश ही, कैसे 5 आदमी कॉम्पिटेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित जो हाँ, टॉप लेकिन के। लेकिन वकील साहब, एक प्रैक्टिकल जैसे समन्वय होता है, तो चूंकि अगर विरोध प्रदर्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, तो सरकार चाहेगी ना, कमिटी को बोल सकती है कि आप इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। हाँ, जी वह एक गुंजाइश है कि जी कमिटी तो अपने निर्णय पर फिर विचार कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देके कहे कि साहब बड़ा हार्श है हाँ 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 और आप इसको ही कीजिए। लेकिन दो चीज बहुत साफ है, हाँ अगर आप इम्तहान नहीं देते हैं और तीनों में फेल कर जाते हैं तो नौकरी खत्म। जी ये तो एक नहीं, है। तो पुनर्विचार करने में तो यही चीजें होगी ना, कि इस पर विचार कीजिए कि ऐसा नहीं हो। हाँ, पुनर्विचार कर सकते हैं, पुनर्विचार में लेकिन लेकिन आशा वकील की साहब, जो किरण। समझ पा रहे हैं हम, कि पुनर्विचार करने का फैसला भी कमेटी को ही है, पुनर्विचार करती है कि नहीं करती है, या फिर उसी को फिर से दे देती कि नहीं यही सही है। जी हाँ, हमारे हिसाब से हम तो कहेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पावर को भी छीन लिया गया, केवल कहा कि स्टेट गवर्नमेंट किसको आदेश पार करे, आदेश वही होगा जो अनुशंसा में है। और इस मतलब तरह का मतलब है, एक लाइन में कहा जाए, साधारण लैंग्वेज में, भाषा में, तो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल वो कमिटी है कानूनन। कमिटी हो गई है, और जी कमिटी को, कमिटी जी बाजाबता कोई एग्जीक्यूटिव का बनाया हुआ नहीं है, रूल के तहत, रूल जी के प्रावधानों के अंतर्गत ही एक कमिटी बनाई गई है। और जी उसकी कुछ कमिटी समिति की क्या शक्तियां होगी वह भी उसी में निर्देशित है। और वहाँ यानी कि दो ऑप्शन है, मतलब गेंद दो लोगों के पाले में है, या फिर फैसला यहीं से हो सकता है, या तो हाई कोर्ट करे या फिर वो कमेटी करे। हाँ हाँ जी, हाँ सरकार की बिल्कुल, भूमिका कानूनन, आपके भाषा में तकनीकी जो चीज है, वो सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं रह गई, यही ना। सरकार की भूमिका केवल एक तकनीकी आधार पर उसको मानने भर है, ना जी कहने भर नहीं है। रिकॉन्सिडरेशन के लिए भले हो सकता है, जी इसके जी अलावे कहीं कुछ नहीं है। जो वर्तमान कानून है, अब जी सरकार कानूने बदल दे उस पोषण को अलग चीज है। जी जी चलिए चलिए, बिंदुवार एक-एक चीजों को आपने समझाया। मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षकों के जहन में जो तमाम सवाल होंगे उसका उत्तर आपने दिया है। बहुत बहुत जी धन्यवाद वकील साहब। ठीक है, धन्यवाद।